राष्ट्रीय एकता का परिचय तिरंगा है। भारत माता की जय। स्वाधीनता दिवस के मंगल सूचक अवसर पर व्यास पीठ पर विराजमान आचार्य महोदय डॉक्टर विनोद कुमार सर, वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी विभागाध्यक्ष, शिक्षक गण, चिकित्सक गण, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी कर्मचारी और मेरे प्रिय मित्रों एवं परिजनों, आप सभी का हमारी श्री वशिष्ठ प्रसाद सेवा तथा चिकित्सा महाविद्यालय के प्रांगण में स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आप सबको इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। हम सभी में सारे लोग आजादी के बाद पैदा, इसीलिए शायद हम लोगों को आजादी का मतलब पता नहीं। हम अपने देश में ही गुलाम और उसके बाद हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना पूरा जीवन देश को आजाद करने में लगाया। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान भी गंवाई। आज हमें एहसास नहीं है कि हमको क्या मिला है, हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स वो यहाँ पर बहुत मेहनत करके आए, किसी ने 2 साल, किसी ने 1 साल, किसी ने 3 साल तैयारी की तो सिलेक्शन हुआ। ये कॉलेज तभी चलेगा जब आप लोग पूरी मेहनत से अच्छा रिजल्ट लाएंगे, अच्छे प्लेसमेंट लेंगे, तभी हमारा नाम, तभी इस कॉलेज का लेवल ऊपर उठेगा। अगर कोई कहीं भी प्रॉब्लम है मुझे बताएं, मुझसे कहें, मैं अपने कुछ फैकल्टी मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने कोरोना काल हमारे हॉस्पिटल की बहुत मदद की, जबकि वो उनका काम नहीं था, वो प्री क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मरीजों में के इलाज में अपना योगदान दिया। बस आप लोगों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज अपनी बात यही खत्म करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृत देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए। अब अपनी ओजस्वी वाणी से हमें अपनी मातृभूमि के प्रति अनुराग का स्मरण कराने हेतु मंच पर स्वागत कीजिए हमारे कुछ सहपाठियों व कनिष्ठों का। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया। कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं।
को तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बसरा प्यारी माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम हम तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ अपनी बाहें खोल दे जोर से मुझको गले लगा ले मुझको फिर वो प्यार दे तू ही जिंदगी सुप्रभात, मेरा नाम है दिव्य और आज मेरे साथ है विवेक। तो चलिए देखते हैं, पूछते हैं विवेक से कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं यहाँ पे। हेलो, मेरा नाम इज़ विवेक कुमार यादव फ्रॉम बस्ती मेडिकल कॉलेज। आप देख सकते हैं कि आज मुझे बहुत हर्षोल्लास का अनुभव हो रहा है, आज की मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। आज हम रंगोली बनाएंगे और कॉलेज कैंपस को हम ट्राई कलर से गुब्बारों से सजाएंगे। आप तो चलिए आज हम उन लोगों से बात करते हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिए हैं और उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर रंगोली प्रिपरेशन चल रही है और पूरा का पूरा जूनियर बैच। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार कुछ अपने कॉलेज में कुछ कर रही हूँ, रंगोली बना रही हूँ इंडिपेंडेंस डे के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। कैसी आपकी फीलिंग कैसी है? काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मतलब हमें काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि हमारा पहला मतलब 15 अगस्त यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारा सीनियर से इंट्रैक्शन हो रहा है, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। थैंक यू। जल्दी एंकरिंग कौन कर रहा है? एंकरिंग कर रही हैं वैष्णवी शर्मा और दिव्या सागर। हाय। हेलो, हम यहाँ पे आज के कार्यक्रम के संचालन का अभ्यास कर रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एंकरिंग की ताकि प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो। चलते उस साइड में जहाँ लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है और जूनियर बैठे हैं। मैं कैमरामैन गजराज चौहान। आप देख रहे हैं 75 इंडिपेंडेंस डे, अभी तैयारियां हो रही हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ क्षितिज, यू कैन सी द चेयरफुलनेस अमंग्स द स्टूडेंट एंड यू कैन सी हियर एवरीवन इज सो ड्रेस्ड अप, वेल ड्रेस्ड अप। नाउ वी आर वेटिंग फॉर लड्डू एंड समोसा। ये है हमारा फौजी दोस्त, आज मार्च पास कैसे लीड करेंगे? जैसे अभी बाद में अभी शूट होगा तब देखना आप सब कैसे मार्च पास हो रहा है, एकदम जान लगा देना है। बिल्कुल। यू कैन सी हियर इज माय ग्रुप शुभम शैलेन अंकुर। ये तो फौजी आई एंड वी वुड लाइक यू टू एक्सप्रेस योर व्यूज। वंदे मातरम। सर्व
का दिवस है और हम एक्साइटेड हैं और हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, इस पर हमें गर्व है। वंदे मातरम। थैंक यू सर, थैंक यू। वहाँ चलते। और ये है जो कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसे फालतू का गप्पे मार रहा है। ठीक, आओ। ये लोग अपना आराम से चिल मार रहे हैं, कोई वो नहीं है। ये अपने बैच के लड़के कर में ये लोग फिल्म माहौल का मजा ले रहा है, करना कुछ नहीं है, सेल्फी ले रहे हैं, माहौल का मजा ले रहा है। और ये जूनियर बैच हमारे 1920 बैच के, और ये हमारा जूनियर बैच है जो बिना किसी काम का लाइन से बैठा हुआ है। बोलो भारत माता की जय। जिस तरह से आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आइए चलते हैं इन सबसे पूछते हैं कि कैसा अनुभव कर रहे हैं। और आज का कार्यक्रम के समापन के बाद देखें कुछ ऐसी बातें जो हमारे सहपाठी हमारे छात्र कुछ हमसे कहना चाहें, तो आइए उनकी बातें सुनते हैं। ना पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, है मेरी पहचान तो बस कि हम हिंदुस्तानी हैं। हैप्पी 75 इंडिपेंडेंस डे। Happy 75th Independence Day to all the citizens of our country. Today on this day, I would like to commemorate all the citizens with freedom of speech, belief, thought, expression and freedom of life. Thank you. Vande Mataram. सभी को 75 स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सभी लोग हैं लेकिन मेरे लंगड़े लूले दोस्त नहीं हैं, जैसे मानस राज श्रीवास्तव और खुशबू गुप्ता, वो लोग अपने हॉस्टल में हैं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और सेहत की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि अगले कोई भी कार्यक्रम जैसे दिवाली या जन्माष्टमी में वो हमारे साथ रहें और हम सब में प्यार बांटें और खुशियाँ मनाएँ। और सभी को बधाइयाँ, लड्डू खाइए और मैस में जाइए, लड्डू और समोसा भी मिल रहा है। स्कूल के बाद वाले इस महोत्सव मतलब इंडिपेंडेंस डे में बहुत अच्छा लगा। हमारे सीनियर्स ने हमें बिल्कुल भी ये फील नहीं होने दिया कि मतलब हमने बहुत अच्छे मार्च पास किए और बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया है और देशभक्ति एकदम उमड़ आती है और गाने बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया। मेरा नाम वसुधा सिंह है, बैच 21। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अभिनव गोयल हूँ और ये जो हमारे बॉस हैं बहुत अच्छे बॉस हैं ये। आज प्रोग्राम की एंकरिंग इन्होंने ही की है, इन्होंने बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया कि आज इंडिपेंडेंस डे नहीं है या हम कहीं घर से बाहर हैं। अब यही MBA SMC हमारी फैमिली है। मैं ये इंटरव्यू सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज तक यूट्यूब पर मैं था नहीं अपनी छाप छोड़ने के लिए। चलिए, थैंक यू बॉस। नहीं ज़्यादा। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द सीनियर्स एंड ऑल द टीचर्स बिकॉज वी सेलिब्रेटेड एंड एंजॉयड इज वेरी वेल मैनर। सो हमको इंडिपेंडेंस डे के दिन ये बहुत अच्छा तोहफा मिला है एंड आज हमारे कॉलेज की तरफ से इंडिपेंडेंस डे के दिन हमें लड्डू और समोसे दिए गए हैं। क्या बोल, लड्डू 350 कैलोरीज और समोसा 400 कैलोरीज, तो टोटल हो गए 700-800-1100 कैलोरीज। बैग होस्टिंग सेरेमनी सब कुछ हो चुका है और हम सब लोग यहाँ पे जो है बाद में जो बूंदी पड़ता है उसके लिए यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं। अब हमारे अगर जूनियर जो आएंगे अगले साल यहाँ पे 3 साल के बच्चे हो जाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी चहल पहल होगी यहाँ पे। सो बस यही बोलना चाहेंगे, थैंक यू। कॉलेज में ये हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था और मैंने इसमें सॉन्ग परफॉर्म किया है, ग्रुप सॉन्ग, और अच्छा लगा परफॉर्म करके। फर्स्ट था तो स्पेशल होता है हर चीज़ फर्स्ट, और सीनियर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, हम लोगों ने सीनियर्स के साथ किया था परफॉर्म और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, अच्छा लगा और हमें लड्डू भी मिले हैं लास्ट में तो अच्छा था। जूनियर्स के लिए यही बोलूँगी कि मोस्ट वेलकम, आइए, हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं एक तरह से। हमारा भी सीनियर्स ने वेट किया था, हमने जब हम यहाँ पे आए थे उससे पहले हमने भी वीडियो देखा था तो अच्छा लगा था देखकर। उन्होंने अच्छा मैसेज दिया था कि आप आएंगे तो हम सपोर्ट करेंगे, तो सेम वही मिला है, अच्छा एनवायरनमेंट है तो आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छे से बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट, थैंक यू। कॉलेज में हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था, मैंने पहली बार मार्च पास्ट में पार्टिसिपेट किया और बहुत मज़ा आया सेलिब्रेट करके और
हम अपने आने वाले जूनियर्स को ये कहेंगे मोस्ट वेलकम टू द MBASMC फैमिली। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और विशेषतर मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगा जो कि हमारे जूनियर्स हैं या जिन्हें 12 सितंबर को एक बारी फिर से एक परीक्षा को देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 सितंबर को एक बारी फिर से नीट का पेपर होने वाला है और विद्यार्थी जो है कि कड़ी परिश्रम कर रहे हैं। जानते ही हैं कि कोरोना की वजह से किस तरह से जो है हमारी पढ़ाई अफेक्टेड हुई है और हम सभी को बहुत सारी मुसीबतें का सामना करना पड़ा है। आपने बहुत ही परिश्रम से इस दौर में अपने आप को जो है एक अच्छी मानसिक स्थिति बनाकर अपने आप को जो है कार्यरत रखा है और हम सभी को बहुत सारी मुसीबतें का सामना करना पड़ा है। लेकिन उसके बाद भी मैं आप सभी को गुड लक बोलना चाहूँगा और यही कहूँगा कि फिर अभी भी डटे रहिए। वैसे भी कहते हैं कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, तो बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बस चलते जाइए। और पूरा विश्वास है कि आपका जो सफ़र शुरू हुआ है प्रिपरेशन से अपनी कोचिंग में, वो आके ख़त्म होगा महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रांगण में। तो बस आपका इंतज़ार है, आप जब भी आएंगे कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत हो और आपको फिर यहाँ पे आने पे कई सारी नई नई चीज़ों को सीखने का अवसर मिलेगा और हमें भी खुशी होगी अगर आप यहाँ आते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोल के मैं वीडियो को अंत करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।